अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नायला। यकीनन मेरी वीडियोज़ में रेसिपीज़ आपको पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज हमने बनाया मिल्क पाउडर खोया और ये बहुत ज़्यादा आसान है बनाना और बहुत जल्दी बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस हमने ये मिल्क पाउडर खोया किस तरह बनाया, इसकी रेसिपी क्या है। ये देखें लुक से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी मिल्क पाउडर खोया की रेसिपी, होममेड इजी एंड क्विक वाला खोया, बहुत ज़्यादा आसान वाला मिल्क पाउडर खोया बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लिया है पैन। अब पैन में हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी। देसी घी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें यूज़ कर सकते हैं मक्खन। इसको थोड़ा सा हम पिघलाते हैं, जैसे ये पिघलेगा एक चम्मच हमने देसी घी लिया है और इसमें हम डालेंगे एक गिलास दूध। ये खोया बनाना बहुत ज्यादा इजी है और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि घी में दूध और घी मिक्स हो जाए। दूध थोड़ा थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए इस तरह। अब इसमें हम डाल देंगे तकरीबन एक टेबलस्पून के बराबर क्रीम, और क्रीम हमने यहाँ पे ऑल पर्पस की ली है, हम तकरीबन एक टेबलस्पून डालेंगे। और मिक्स करेंगे, मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे और ये तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगते इस खोया को बनाने में। क्रीम बिल्कुल इस तरह मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने यहाँ पे लिया 1 कप। अब इसको मिक्स करेंगे इस तरह, जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे ताकि ये जल्दी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और इसको इस तरह हिलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। मिल्क पाउडर खोया माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है। इसी तरह हम इसको हिलाते रहेंगे और इसको खुश करेंगे। खोया हमारा बन रहा है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, और ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है पकते हुए। 5 मिनट हो चुके हैं, 5 से 6 मिनट, और अब इसको इसी तरह हम हिलाते रहेंगे और साइड से उतारते रहेंगे और ये मिल्क खोया बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। और ये इसी तरह हम हिलाएंगे और ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया है तकरीबन। देखें कितना गाढ़ा हो गया, इसी तरह हम हिलाते रहेंगे, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और ये होममेड मिल्क पाउडर खोया बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और बहुत ज़्यादा ईजी है बनाना। ड्राई हो गया तकरीबन, थोड़ा सा हम और पकाएंगे 3 से 4 मिनट ताकि थोड़ा और ड्राई हो जाए, ठंडा जब होगा तो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। ये कितना मज़ेदार ये मिल्क पाउडर खोया बन रहा है और आसान है बिल्कुल बनाना, इजीली आप घर पे बना सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाते रहेंगे इसी तरह, बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। ये देखिए अब पैन के साथ चिपक नहीं रहा, थोड़ा सा हम और पकाएंगे 1-2 मिनट ताकि ये थोड़ा सा अलग होना स्टार्ट हो जाए। मिल्क पाउडर खोया हमारा रेडी है और माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। अब कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा हम और पका लेते हैं। होममेड मिल्क पाउडर खोया हमारा रेडी है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है और बहुत जल्दी बना है। प्लीज़ आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।